जी दोस्तों, जय श्री राधे राधे, जय माता दी, जय बाबा जी। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज चली हूँ मैं बाबा जी के मंदिर में। आज नवरात्रे कौन सा वाला छठा नवरात्र हूँ। आज बहुत दिन बाद लगी है हमारे यहाँ पे बारिश, हल्की हल्की सी लगी है, मीठी मीठी सी बारीक बारीक बारिश। और हम चले हैं मंदिर को और आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर का व्यू और साथ में करवाते हैं बाबा जी के दर्शन और साथ में थोड़ी सी सुनाते हैं भागवत कथा। ये दिख रहा है ऊपर मंदिर बाबा जी का, देखिए यहाँ पे जाएंगे हम। अदीबू भी चला मेरे साथ में, हेलो हाय कर दो। ये भी जा रही है गांव से और आशु भी जा रही है देवरानी, तो बस उसी की कॉल आई थी तभी चली हूँ। अगर कोई नहीं जाते तो शायद मैं भी नहीं जा पाती। तो आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ससुर जी की डेथ के बाद आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं मतलब कहीं पर। तो शुरुआत मंदिर से ही करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हम जो पहुंच चुके हैं इतने ऊपर, यहाँ से दिख रहा है हमारा गांव कुछ इस तरह से। और यहाँ पे है आशु मेरे साथ, हेलो। हेलो, मंदिर जा रहे हो आप? कितना दिन है आज आपका मंदिर जाते हुए? वाह, बड़ी अच्छी बात है। पूरा महाविष्णु पुराण सुनना मतलब हर किसी की बात नहीं होती है, तो आप बहुत बड़े भक्त हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। और दीपू चलाया आगे आगे और यहाँ पे देवदार के पेड़ आप लोग देख सकते हैं। फोटो ले लेंगे, थैंक यू। तो चलिए अभी आप लोगों को भी करवाते हैं थोड़ा थोड़ा सा दर्शन, क्योंकि बारिश थी तो मैं नीचे से वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अभी थोड़े थोड़े से दर्शन करवाऊंगी और थोड़ा सा भागवत कभी सुनाऊंगी जितना हो सकेगा। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं और इस साइड है सराई जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता है और से होती है एंट्री। सो गाइस देखिए अभी आप लोग यहाँ से, और ये रहा मेरे गांव का व्यू। विचार किया कभी? हाँ जी। अगर उस सारी बनाड़ वाले ऐसा विचार करते मैरन वाले, तो यहाँ पर बैठने की जगह ना होती। अगर सभी ऐसा विचार करते क्या? हुक्म बंदे या तेरे मुकने नहीं हो, हम मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा
टूटी एक जंजाल है, इसमें जितने भी ये यश धर्म है महापुरा।